तो सबसे पहले हमारे पास एक ये ट्रांजिस्टर होना चाहिए जो कि मॉडल के हिसाब से TIP3055 है। तो इसको मैं इस तरह लगा लेता हूँ। और उसके बाद हमारे पास एक फोर्ट या इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, तो ये हमारे पास एक होना चाहिए जो कि वोल्टेज रेगुलेटर है। तो ये हमारे पास 50K का होना चाहिए। तो इसको मैं इस तरह सोल्ड कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप इस तरह करना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन डिवाइस बनने वाला है और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और ये हर घर के काम आने वाला डिवाइस है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने इस तरह कुछ सोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसके साथ एक रजिस्टर लगा लेता हूँ जो कि 1K 1 वाट का है। तो ये मेटल वाले लेग के साथ मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद मैं एक DC ओल्टमीटर इसके साथ लगाऊंगा जो कि 3 वायर का है, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये मैं इसके साथ लगा लेता हूँ। तो ये जो येलो वाला वायर है, तो इसको मैं ये 3rd वाले लेग के साथ इस तरह सोल्ड कर लेता हूँ। तो येलो वाला वायर सोल्ड करने के बाद अब इसके रेड वाले वायर की बारी है। तो रेड वाला जो वायर है वो मैं ये रेजिस्टर के साथ सोल्ड कर लेता हूँ। और जो 3rd वाला हमारा ब्लैक वाला वायर है, तो ब्लैक हमारा कॉमन रहेगा। तो उसको मैं हमारे पास जो वेरिएबल है उसके जो एक पॉइंट उसका खाली है, तो उसके साथ मैं सोल्ड कर देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा कनेक्शन इधर तक कंप्लीट हो गया है। ब्लैक वाले वायर की बारी है, तो ब्लैक वाला मैं इधर सोल्ड कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा और किस मकसद के लिए आप इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये ब्लैक वाला वायर मैं इधर लगा लेता हूँ ब्लैक। तो इसके बाद अब आउटपुट वाले वायर की बारी है। तो ये रेड वाला वायर मैं इधर लगा लेता हूँ जो कि प्लस वाला है, और माइनस वाला जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉमन होगा, तो ये मैं इधर ही लगा लेता हूँ जिधर पहले मैंने ब्लैक वाला वायर लगाया हुआ है। तो ये हमारे दोनों आउटपुट के वायर हो गए हैं। अभी इनपुट के लिए मैं इसके साथ 2 वायर लगा लेता हूँ। तो इनपुट के लिए मैं ब्लैक वाला जो वायर है वो ब्लैक के साथ लगा लेता हूँ जो कॉमन है, और जो प्लस वाला वायर है यानी कि रेड वाला जो वायर है, तो वो मैं ट्रांजिस्टर के मिडल वाले लेग के साथ लगा लेता हूँ। तो इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसके साथ मैंने सप्लाई जोड़ दी है। तो अभी मैं इसको 0 कर दिया हूँ। तो इसके साथ हम 0 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक का वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास 15 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये मैं 15 वोल्ट तक आपको वेरी करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, 0 वोल्ट से मैंने स्टार्ट किया था और 15 वोल्ट पे मैंने अभी इसको कर दिया है। अब मैं इसको 4 वोल्ट पे सेट कर देता हूं और इसके साथ एक लिथियम आयन बैटरी आपको चार्ज करके दिखा देता हूं। तो इसके साथ मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूं जल्दी से, और बैटरी कनेक्ट करने के बाद मैं आपको चार्जिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास लिथियम आयन बैटरी है जिसके साथ मैंने वायर पहले से जोड़ा हुआ है। तो अभी मैं इसको साथ लगा लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ, तो इसमें 2.7 वोल्ट का चार्ज है जैसे आप देख रहे हैं। तभी मैं इसको थोड़ा सा चार्ज कर लेता हूं और बाद में आपको दिखा देता हूं। तो जैसे आप देख रहे हैं, 3.5 वोल्ट पे आ चुका है हमारे बैटरी। तो ये बेहतरीन काम कर रहा है। अभी मैं आपको 12 वोल्ट बैटरी इसके साथ लगा के चार्ज पे चेक कर सकता हूं। तो चार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसके साथ 12 वोल्ट बैटरी लगा रहा हूँ, तो इसको मैं 14 वोल्ट पर वेरी कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ये अभी 14 वोल्ट पर सेट हो गया है। अब मैं इसके साथ बैटरी लगा लेता हूं और आपको दिखा देता हूं। तो ये बहुत ही बेहतरीन और यूज़फुल डिवाइस है हर तरह की बैटरी को चार्ज करने के लिए, यानी कि आप इस डिवाइस के ज़रिए 2 वोल्ट 3 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक के बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। तो अभी मैं इसके साथ लगा लेता हूँ बैटरी के साथ और आपको दिखा देता हूँ। तो बैटरी में 12.6 वोल्ट है, तो जैसे आप देख रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन है। तो अभी ये चार्जिंग हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।